द कार इज लुकिंग हॉट AF. साइड सपोर्ट एक्सटेंड करवाया है. अगर हम नीचे की बात करें, वी आर बेसिकली स्पेशलिस्ट इन कार इंटीरियर. नाउ दिस इज अ स्टॉक सीट एंड ये कस्टमाइज्ड है. कि जो नई वाली स्विफ्ट आ रही है उसके अंदर क्या हम हेडरेस्ट लगा सकते हैं अगर हमारा LXi मॉडल है तो? यस इट्स पॉसिबल. ये थ्रेड जो है 8-ply का है. इसमें बेसिकली आप स्ट्रैंड्स निकाल के देखोगे तो ये 8-ply का है. दिस इज वेरी स्ट्रांग. सो व्हाट्स अप पीपल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ एंड योर स्पीडी सिंह इज बैक अगेन विद अनदर वीडियो. सो आज हमारे साथ है मिस्टर सनी. सो सनी जी, क्या हाल चाल है? फाइन. तो सनी जी, एक बार सबको हाय जरूर बोलें. हाय हाय एवरीवन. आज बेसिकली टाइटल एंड थंबनेल देख के कुछ आइडिया लगा लिया होगा कि मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ. सो बेसिकली मेरा मन था कि यार अपनी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कुछ अलग करवाया जाए, कुछ हटकर करवाया जाए. आज मैं आया हूँ ऑटो शेड्स पर. बेसिकली सनी जी थोड़ा बताएंगे कि हम ऑटो शेड्स पर करते क्या हैं. ऑटो शेड्स इज अ 10 ईयर्स ओल्ड फर्म. एक्चुअली हम लोग पहले आफ्टर मार्केट में हम लोग वुडन देते थे. ओके. दिस इज अवर फर्स्ट रिटेल आउटलेट और अभी हमें रिटेल आउटलेट स्टार्ट करे हुए 4 ईयर्स हुए हैं. ओके. इसमें हम लोग हमारे राइट फ्रॉम इंटीरियर जॉब टिल वुडन टिल सीट कवर्स हमारा सारा इन हाउस है. हमें कुछ भी बाहर से प्रोक्योर नहीं करना पड़ता. PU वगैरह हम अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोक्योर करके सब इन हाउस ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके. क्या आप देख सकते होगे, आपको नजर आ रहा होगा कि कस्टमाइज्ड सीट्स यहाँ पड़ी है एंड मेरी गाड़ी में भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला है. आपका काम क्या है, आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है एंड देखना है कि ग्रे फॉक्स में आज हम क्या करने वाले हैं. काफ़ी खास चीज़ रहने वाली है. एक आइडिया दे दूँ तो यार, कस्टमाइज्ड सीट्स होंगी एंड कस्टमाइज्ड सीट कवर्स होंगे. एंड जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट शेयर करी थी जिस पर मुझे राउंड अबाउट 1.5K वोट्स मिले थे एंड उसमें से 80-85% वोट्स थे कि यार कस्टमाइज्ड सीट्स ही लगनी चाहिए ग्रे फॉक्स में. आज हम वही करने वाले हैं. तो टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करता, सीधा करता हूँ वीडियो को शुरू एंड दिखाता हूँ कि सारा प्रोसेस कैसा रहने वाला है. एंड एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा काम करवाने आते हो तो भाई तसल्ली बख्श काम होगा, पहली बात तो ये है. एंड 2-3 दिन लग जाएंगे तो भाई जल्दबाजी मत करना, ठीक है? अब करते हैं वीडियो को शुरू एंड देखते हैं कि सारा काम कैसा हो रहा है. If you haven't subscribed this channel yet, then do subscribe. And don't forget to press the bell icon if you want the latest updates. Like and share if you enjoy this video. मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है अपनी ये सीट. नाउ पीछे से सीट जो है वो आपको स्टॉक लग रही होगी, बट अगर हम इसका फ्रंट लुक लें, सो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है. तो आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा फोमिंग मैंने करवाई है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल. एक्स्ट्रा फोमिंग में हमने क्या क्या करा है और कैसे कंफर्टेबल ये बन सकती है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर साइड्स मैंने जो है एक्सटेंड करवाई हैं, साइड सपोर्ट एक्सटेंड करवाया है. अगर हम नीचे की बात करें, सो नीचे कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट करवाया है, प्लस यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट दिया है मैंने सीट्स को, जिसकी वजह से जो कंफर्टेबिलिटी है सीट्स की वो एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. प्लस जो एक कंफर्ट लेवल होता है कि हाँ मैं सीट में बैठा हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ यार किसी अच्छी कार की सीट में बैठा हूँ, वैसा कुछ फील मुझे आने वाला है. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इसको ऊपर से हमने एक्सटेंड करवाया है तो क्या ये ड्यूरेबल है, नहीं है, एंड किस किस बंदे के लिए ये चीज़ें सूटेबल रहने वाली हैं. तो वो सारी चीज़ों के लिए अब हमें सनी जी गाइड करेंगे एंड बताएंगे कि किन किन कार्स के लिए सूटेबल है एंड किन किन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया रहने वाली है. ये बेसिकली इट इज़ सूटेबल फॉर XUV टाइप सेगमेंट. XUV टाइप गाड़ियों में सारी गाड़ियों के लिए सूटेबल है. बेसिकली जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम आती है, बैक कंफर्टेबल नहीं है, मोस्टली बैक अनकंफर्टेबल, क्रेटा वेन्यू एंड क्रेटा और वेन्यू में हमने बहुत कॉमन कंप्लेंट्स देखी है. क्रेटा और वेन्यू में बैक में प्रॉब्लम आती है, इवन स्कॉर्पियो में. ये बेसिकली हमने स्कॉर्पियो की भी ऐसी सीट्स मॉडिफाई करी है. स्कॉर्पियो में हम लोग आर्मरेस्ट भी साइड में लगाते हैं और ऐसी सीट्स भी मॉडिफाई करते हैं विद थाई सपोर्ट. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्विफ्ट एंड वैगन आर स्मॉल कार्स, बट येस स्मॉल कार्स में जिन लोगों की हाइट कम है, येस उन लोगों के लिए ठीक है, बट जिन जो लोग टॉल हैं उन कार्स में इतना लेग रूम नहीं होता, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम. येस नाउ वी आर कमिंग टू ड्यूरेबिलिटी पार्ट. दिस फोम इज़ वेरी मच थिक. ये बिल्कुल ऐसे ऐसे भी हिलाओ हिलेगी नहीं,
इसका पूरा सपोर्ट है, इसमें हम पूरा एंग्रूव करके इसको फिक्स करते हैं, ये हिलेगा नहीं। इसके ऊपर सीट कवर भी चढ़ेगा तो स्ट्रेंथ और अच्छी आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरा फोम पे लगा है। यस, पीछे की इन रियर सीट्स, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि पीछे की सीट भी सर आप ऐसी बना दो। पीछे की सीट्स में वी कैन नॉट डू लाइक दिस, रीज़न बीइंग पीछे की सीट्स में लेग रूम कम होता है। अगर हम ऐसी आपकी कुशनिंग और वो दे देंगे, सेंटर पे जो बंदा बैठा होगा ही कैन नॉट सिट कम्फर्टेबली, तो दैट्स वाई पीछे की सीट्स में हम सिर्फ ओनली साइड से, इस साइड से और एंड टू एंड सिर्फ एक्सटेंशन देते हैं, बीच में से हम सिंपल रखते हैं। मीनवाइल जब तक ग्रे फॉक्स का काम होता है, तो एक आइडिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कौन सी सीट्स कस्टमाइज होती हैं एंड उनका लुक कैसा आता है निकल कर। सो अगर बात करें इन दो पहली सीट्स की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दोनों सीट्स जो हैं वो क्रेटा की हैं। नाउ दिस इज़ अ स्टॉक सीट एंड ये कस्टमाइज है। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिया गया है साइड सपोर्ट, ये स्टॉक आता है एंड देन यहाँ जो कस्टमाइज़ करके करा गया है वो एक्सटेंड करा है। नाउ नीचे की बात करें तो नीचे भी कुछ ऐसा ही आपको नज़र आने वाला है। नाउ मूव ऑन करें कि एक डिज़ाइन तो ये होता है कस्टमाइजेशन के अंदर एंड दिस इज स्पेसिफिक क्रेटा, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। नाउ मूव ऑन करें कि क्रेटा के अलावा और कौन सी सीट्स अभी यहाँ पर रखी हुई हैं डिस्प्ले के अंदर। तो वो वाली जो सीट है वो अपनी स्विफ्ट नॉर्मल की सीट है एंड स्विफ्ट नॉर्मल के बाद ये डिज़ाइन जो है ये स्विफ्ट के अंदर ही कस्टमाइज करा गया है। नाउ बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, उसकी साइड्स नॉर्मल है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सटेंड करी गई हैं ताकि जो बैक का सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया रहे। और अगर हम बात करें तो एक डिज़ाइन हमारे पास ये वाला भी आता है, ये डिज़ाइन भी है सेम कार्स के लिए। डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड टेस्ट कि आपको कौन से डिज़ाइन के अंदर कस्टमाइज करवानी है। नाउ अगर बात करें कि कस्टमाइजेशन में क्या क्या अलग है तीनों सीट्स के ऊपर, अगर हम नहीं जाते स्पेसिफिक कार कौन सी है, सिर्फ बात करें सीट्स में क्या कस्टमाइज़ करा गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक सीट जो है उसको साइड से इंक्रीज़ करा गया है एंड नीचे से भी। अगर हम इस वाली सीट की बात करें तो यहाँ पर भी थाई सपोर्ट इंक्रीज़ करा गया है, यहाँ से साइड को भी इंक्रीज़ करा गया है। बट अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ से इसको नहीं छेड़ा गया, इसको यहाँ से छेड़ा गया बेसिकली, तो एक अलग डिज़ाइन आपको निकल कर नज़र आने वाला है। अगर हम तीसरी सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्रेटा वाला ही कुछ डिज़ाइन है, क्रेटा वाला नहीं कहूँगा, बेसिकली जो यहाँ पर सीट पड़ी थी उसका ही इंस्पायर्ड डिज़ाइन यहाँ पर भी पड़ा है। बट वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बोथ दी सीट्स इज दैट कि यहाँ पर जो है एक कोनिकल डिज़ाइन ऊपर दिया गया है। सो ये अलग अलग तीन चार डिज़ाइन है यहाँ पर ऑटो शेड्स पर, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है एंड आप अपनी कार में कौन सा लगवाना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसा ही मेरी गाड़ी में भी होने वाला है, देखते हैं कि वो कैसा निकल कर आने वाला है। सो बीच में एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल गाड़ी के अंदर से कंडीशन क्या क्या है। सो अंदर का कुछ सीन ऐसा है गाड़ी में, सारे गत्ते निकाल दिए गए हैं क्योंकि यस गत्तों पर भी कुछ काम करवाने वाला हूँ मैं, और यहाँ कर भी निकाल दिया गया है एंड उस चीज़ को माइंड मत करना प्लीज़, दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली एंड हियर वी गो। तो यहाँ का भी गत्ता निकाल दिया, यहाँ पीछे देखें तो यहाँ का भी निकाल दिया। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि इसके अंदर कोई XT6 का मुझे एक स्पीकर मिल रहा है एंड ये अच्छा लगा हुआ है, और आगे वाले जो स्पीकर्स हैं वो स्टॉक है, तो आवाज़ जो है मुझे ठीक ठाक मिल ही जाती है गाड़ी के अंदर, लाइक आई एम सेटिस्फाइड। तो इस चीज़ के अंदर नहीं जाते फ़िलहाल, मैं सिर्फ आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर से कि सारा कुछ कार में से निकाल दिया गया है। नाउ गेस व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट एट ऑटो शेड्स रमेश नगर, बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी जो कार्स हैं वो अच्छे से यहाँ पर पार्क हो जाएंगी। लाइक अगर आपका काम है एक दिन का, दो दिन का, हफ्ते का काम है, चाहे 4 से 5 घंटे का काम है, छोटा मोटा भी काम है या काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो आपकी जो कार है वो यहाँ पर सेफ रहेगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये पूरी वर्कशॉप है, यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी वर्कशॉप है एंड यहाँ पर ही सारी कार्स अंदर पार्क होती हैं। ये नहीं है कि भाई रोड पर रुल रही है गाड़ी, इधर से उधर जा रही है, जो है गाड़ी आपके अंदर आके पार्क होगी एंड दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट। सो इन एडिशन टू दी पार्किंग एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक सफारी भी आई है रेडी होने के लिए, उसके बाद आपको एक इलीट i20 मिल जाएगी, देन वी कैन टॉक अबाउट दी SUV सेगमेंट दैट इज़ स्कॉर्पियो। वैसे सफारी भी SUV सेगमेंट की ही है एंड स्कॉर्पियो भी यहाँ पर रेडी होने के लिए आई है। आपके स्पीडी सिंह की ग्रे फॉक्स भी यहाँ पर खड़ी है,
अगर बात करें तो एक i20 भी है एंड आगे एक वैगन आर भी खड़ी है। तो काम हर गाड़ी का यहाँ पर होता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। बाकी आगे आपको पता चल ही जाएगा कि कितना अच्छा काम ऑटो शेड्स पर मेरी गाड़ी के अंदर हुआ है एंड क्या आपको अपनी गाड़ी के अंदर करवाना चाहिए या नहीं। तो अगर बात करेंगे सीट कवर्स हम कौन से मटेरियल में लगवा रहे हैं, मटेरियल कुछ ऐसा रहने वाला है एंड पीछे से कुछ ऐसा है। आप देखोगे कि यार थोड़ा टेक्सचर्ड मटेरियल है, दिस इज़ स्टम्बल। एंड अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं कि ये चीज़ हम कैसे अलग कर सकते हैं दूसरे लाइक जो अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स नहीं होते, तो ये देखो आप, ये सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है, सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि अच्छे में और बुरे में क्या फ़र्क है। सो अगर आप इसकी बैकिंग देखोगे तो दोनों में देखो कितना फ़र्क है। सो ये वाला मटेरियल मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेबल हेयर एट ऑटो शेड्स। ये वाले यहाँ पर नहीं मिलते, ओनली फॉर डिस्प्ले है। एंड अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज़ स्टम्बल। उसके बाद बात करें तो यहाँ थोड़ा एक क्रशी वाला मटेरियल है, जिसको क्रशिंग वाला मटेरियल चाहिए होता है ना, ये वो मटेरियल रहने वाला है। एंड दिस इज़ क्रम्बल। अगर हम बात करें नापा की, सो हेयर इज़ दी नापा। नापा बेसिकली होता क्या है, वो प्लेन है, उसके ऊपर कोई भी ग्रेन नहीं होगा, वो नापा होता है। एंड यहाँ पर भी आपको एक चीज़ मिल जाएगी नापा में। इन दोनों की भी क्वालिटी में फ़र्क है, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपने कौन सी चीज़ अपनी गाड़ी के अंदर लगवानी है। नाउ मूविंग ऑन के थोड़ा ग्रेनी अगर किसी को पसंद है मटेरियल, सो हेयर इज़ दी क्वालिटी फॉर दी ग्रेन मटेरियल। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है ग्रेनी मटेरियल का, जैसे कि आप देख पा रहे हो कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं हर क्वालिटी में, प्लेंटी ऑफ कलर्स हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपका बजट क्या अलाउ करता है अपनी गाड़ी के अंदर लगवाने के लिए। सो मटेरियल आपने देख लिया कि कार के अंदर मैं कौन सा यूज़ करवा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कार में थ्रेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो एक बारी डिस्प्ले में सारे थ्रेड्स लगे हैं, बट जो मैं अपनी कार के अंदर थ्रेड यूज़ करवा रहा हूँ वो है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो वाइट। एंड इन थ्रेड्स में भी कुछ खास चीज़ है जो अब हमें सनी जी बताएंगे बेसिकली इन थ्रेड्स में क्या खास है। ये बेसिकली जो हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं दिस, ये थ्रेड जो है 8 ply का है। इसमें बेसिकली आप स्ट्रैंड्स निकाल के देखोगे तो ये 8 ply का है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ड्यूरेबल। ये हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर मार्केट में इतना लोग कोई बताता नहीं है। बेसिकली ये हम गैलेक्सी कंपनी का 8 ply का धागा यूज़ कर रहे हैं। इससे जो है सीट कवर ईजिली फटता नहीं है और इससे स्ट्रेंथ रहती है और ड्यूरेबिलिटी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बहुत खास लगी एंड एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है ये, जैसे कि आप देख सकते हो कि यार डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी यूनिक है। एंड करा क्या गया आपको नज़र आ ही रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड से इसकी स्टिचिंग करी गई है एंड नो डाउट इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। लाइक डिपेंड करता है अपने अपने टेस्ट पर, मुझे अमेजिंग लग रहा है। बट येस, मैं अपनी कार में नहीं करवा सकता क्योंकि मैं अपनी कार की लुक कुछ और देना चाह रहा हूँ। बट जिनको ये पसंद आ रहा होगा आई एम डैम श्योर कि वो ये चीज़ अपनी गाड़ी में करवाएंगे एंड ये बहुत बढ़िया लगेगा, लाइक इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो हम आ चुके हैं वापस स्टिचिंग वाले एरिया में ऑटो शेड्स के एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ज़ोरों से काम चल रहा है मेरी गाड़ी का। जैसे कि आपको पता है एक तो हमारी कस्टमाइज्ड सीट्स है जो कि अभी भी यहाँ पर पड़ी है एंड आप अभी भी देख रहे होगे कि यार अभी इसके ऊपर कोई भी सीट कवर्स नहीं लगे। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि सीट कवर्स भी कस्टमाइज़ करे जा रहे हैं। सो सीट कवर कस्टमाइज़ करने का क्या प्रोसेस रहता है वो भी मैं आपको सारा समझाने वाला हूँ एंड उसके लिए हमारी हेल्प करेंगे मिस्टर सनी। सो अभी सारा समझते हैं कि कस्टमाइज्ड सीट कवर्स कैसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली जो ओरिजिनल सीट कवर्स होते हैं, ओरिजिनल सीट कवर्स का प्रोसेस ही होता है, हम पैटर्न पीस ओरिजिनल सीट कवर्स का निकाल के उसको सीधा सिंपली कटिंग कर देते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जब मॉडिफाइड सीट होती है वो पूरी हम हाथ से बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ से बना के फिर हम एक एक सीट कवर का जो है ना, फिर इसका हम पैटर्न पीस दोबारा निकालते हैं। ओरिजिनल का हमें कोई यूज़ नहीं आता, हम पैटर्न पीस पहले अपने पीयू से, एक पीयू से पैटर्न पीस बनाते हैं। ये एक एक पैटर्न पीस हमने बना रखा है, फिर इस पैटर्न पीस के बेसिस पे हम लोग जो पीयू होता है उसके बेसिस पे कटिंग करते हैं एक एक पीस की, पीस टू पीस। फिर उसके ऊपर रख के देखते हैं कि फिटिंग वगैरह पूरी टाइट फिटिंग आएगा नहीं आएगा, पूरी फिटिंग उसके हिसाब से करते हैं। जैसे हमने पीस मॉडिफाई करी है सीट, उसके हिसाब से पैटर्न पीस बनता है। इट इज़ बेसिकली अ डाई जो हम दोबारा बनाते हैं सीट कवर्स के लिए। अब देखा आपने वहाँ पे जैसे पैटर्न पीस हमने बना दिया है, ये पैटर्न पीसेज हैं। पैटर्न पीस हम आपका जो इनका जो पीयू है, जो ब्लैक पीयू हमने फाइनल किया है, उसके ऊपर रख के एक एक पैटर्न पीस काटते हैं। काट के फिर उसके ऊपर फिर लैमिनेशन वगैरह, फोम अस्तर वगैरह होती है एंड फोम वी आर यूजिंग ऑफ अ वेरी गुड हाई डेंसिटी फोम।
जो हम सीट्स पे लगाते हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग और उस पैडिंग के लिए। वैसे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सीट कवर्स, वन इज़ लूज कवर, अदर इज़ बकेट, थर्ड इज़ कस्टमाइज सीट कवर। जो आपके लूज कवर होते हैं वो सिंपली आपके जो ओरिजिनल सीट कवर्स है उसके ऊपर ही चढ़ा दिए जाते हैं। सेकेंड इज़ बकेट सीट कवर। इन बकेट सीट कवर्स वॉट दे डू, आपका जो ओरिजिनल सीट कवर होता है उसको इतना कट लगाते हैं, उसके ऊपर यहाँ होल होता है, यहाँ होल होता है, और नीडल डाल के पीछे से फोम डाल के आर पार करके होल करके निकाल देते हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ कस्टमाइज सीट कवर। कस्टमाइज सीट कवर में हम लोग क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल सीट कवर की पूरी स्किन हटा देते हैं और जैक टू जैक उसकी फिटिंग निकाल के अपने सीट कवर में पूरी स्टिच करके उसको फिक्स करते हैं। ये बेसिकली फ़र्क है। एक रेडीमेड टी शर्ट इज़ योर बकेट सीट कवर एंड कस्टमाइज सीट कवर इज़ टेलर फिटेड सीट कवर, जो एक टेलर एक नाप के बना रहे हैं। आप देख सकते हैं नाप रहे हैं, एक चीज़ नाप के बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक चीज़ प्रॉपर नाप के आपकी गाड़ी की फिटिंग के हिसाब से, जैसे हम सीट मॉडिफाई कर रहे हैं उसी हिसाब से हम आपके सीट कवर बनाएंगे टाइट फिटिंग के। फोम हम अच्छी कंपनी की फेदर फोम की 12mm की थिकनेस की हम फोम यूज़ करते हैं फॉर एक्स्ट्रा कुशनिंग एंड एक्स्ट्रा पैडिंग। मार्केट में और फोम्स भी आती हैं विच आर ऑफ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में फ़र्क ये होता है, लो डेंसिटी वाली फोम जो है जल्दी बैठती है और हाई डेंसिटी फोम वाली देर में बैठती है, उसकी लाइफ अच्छी होती है। ये पैडिंग करने के बाद हम ऐसे स्टिच हो जाता है। ये ऐसे स्टिच होने के बाद हम लोग इस पीस की कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद हम लोग स्टिचिंग पे देते हैं। बट येस, इन सम कार्स डिज़ाइंस वेरी फ्रॉम सीट टू सीट। आप ये एक्सपेक्ट करो मेरी सीट में ये डिज़ाइन हो जाए, ये डिज़ाइन हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सीट विच मैन्युफैक्चरर हैज़ मेड, जैसे कंपनी से बना हुआ सीट स्ट्रक्चर आया है, तो डिज़ाइन थोड़ा बहुत 19-20 वेरी करता है फ्रॉम कार टू कार। सो जैसे कि आपको सनी जी ने बताया कि पैडिंग होने के बाद, यानी कि वो वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, हमारे जो सीट कवर्स होते हैं वो स्टिचिंग के लिए आ जाते हैं। सो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि बेसिकली मैं कौन से कलर में सीट कवर्स अपने रेडी करवा रहा हूँ। सो येस, वाइट एंड ब्लैक कलर रहने वाला है एंड वाइट कलर की स्टिचिंग रहने वाली है। उसके बाद पंचिंग वाला मटेरियल आपको सेंटर में मिल जाएगा। अब एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कस्टमाइज सीट कवर्स में भी, वो ये है कि अगर आप स्टिचिंग देखोगे तो कितनी परफेक्टली हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग है। ये नहीं है कि भाई टेढ़ी मेढ़ी स्टिचिंग कहीं पर भी भाग रही है। दिस इज़ दी वर्क ऑफ परफेक्शन एट ऑटो शेड्स एंड बहुत बढ़िया काम अभी यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद एक फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक सीट कवर अपना यहाँ पर रेडी हो रहा है एंड अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी एक सीट कवर रेडी हो रहा है अपना। सो काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है अपनी गाड़ी का एंड येस, जैसे ही कम्प्लीट होता है वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। तो भाई डे वन आप देख चुके हो, डे वन में क्या क्या काम हुआ वो आपको सब समझ आ गया होगा। आज का जो दिन है उसमें सिर्फ हमारी फिटिंग रह गई है एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब कोई अलग जगह पर मैं आ चुका हूँ। सो बेसिकली ऑटो शेड्स पर 2-3 फ्लोर्स है, हर फ्लोर पर अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो जहाँ तक स्टिचिंग की बात थी वो सब निपट चुका है, कस्टमाइज्ड सीट्स जहाँ बननी थी वो निपट चुका है। अब फाइनली आ चुके हैं भाई कहाँ पर, बेसिकली जहाँ पर हमारी सीट्स के कवर्स फिट होंगे, यानी कि सीट कवर लगेंगे, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड देखते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस सारा कैसा रहेगा। सो हेयर वी आर स्टार्टिंग द फिटिंग ऑफ सीट कवर्स एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सीट का नीचे वाला पार्ट है वो अपना ये पड़ा हुआ है, यानी कि ये ग्रे फॉक्स की ही सीट्स हैं। एंड एक बार ये आपको सीट कवर दिखा देता हूँ कैसे बने हैं अपने, कुछ ऐसा डिज़ाइन रहने वाला है सीट कवर्स का, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी जो चीज़ है वो तो भाई लग कर ही आएगी, आपको पता चलेगी कि सीट्स लग कैसे रही हैं ये सब कुछ लगने के बाद। एंड येस, जो मैंने डिज़ाइन चूज़ करा है वो कुछ ऐसा है, कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है, देख सकते हो वाइट एंड ब्लैक में, प्योर वाइट है ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सो ये प्योर वाइट है एंड साइड में मैंने पाइपिंग भी करवाई है। सो अब हमें सनी जी फिर से गाइड करेंगे सीट कवर्स लगाए कैसे जाते हैं। तो सनी जी एक बारी प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। ये बेसिकली क्या है, जो नीचे रॉड है ये रॉड डाली जाती है और ये रॉड आपके इससे यहाँ पे जो ये अटैचमेंट दी होती है ये रॉड, इससे यहाँ पे सीधा हम काटा प्लास लगाते हैं और यहाँ पे जैक टू जैक फिट हो जाता है। ओके, इसमें कोई होल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैक टू जैक पूरी फिटिंग है। ठीक है, जैसे आपके ओरिजिनल सीट कवर में फिटिंग आती है वैसे ही होगा। इसमें हम कोई फोम कट नहीं करेंगे, जहाँ पे ये रॉड्स की अटैचमेंट है यहाँ पे कांटा लग के टाइट होता जाएगा, जो आपकी कंपनी की रॉड्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, सो ऐसे कुछ फिटिंग रहने वाली है, अब भाई हमारे फिट करेंगे। सो भाई एक बार प्लीज करके दिखाएंगे।
पर हमने अटैचमेंट्स फिक्स कर दिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा ये अटैचमेंट फिक्स कर दिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी, जिसकी वजह से प्रॉपर बकेट फिट आएगा एंड ऐसा लगेगा कि OEM सीट कवर्स ही हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं। सो ये एक प्रोसेस काफ़ी कुछ ऐसा रहने वाला है, उसके बाद प्रॉपर दिखाता हूँ कि सीट कवर्स की फिटिंग कैसे रहने वाली है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो एक यहाँ पर हमारे पास रेडी पीस पड़ा है फिटिंग का एंड दिस डिज़ाइन लुक्स अमेजिंग। इसको हम रेंज रोवर डिज़ाइन बोलते हैं एंड फिटिंग देखो कस्टमाइज्ड सीट कवर या स्टिल फिटिंग चेक आप कर सकते हो, कहीं पर भी आपको रिंकल्स नज़र नहीं आएंगे। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टिचिंग, स्टिचिंग कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, दिस इज़ दी मेन, एक कह सकते हो मेन चीज़ होती है, अगर जहाँ पर स्टिचिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी वहाँ पर सीट कवर की लुक सारी ख़राब हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आने वाला। सो दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट। अब फाइनली देखते हैं कि सीट कवर्स लगने के बाद मेरी गाड़ी में क्या लुक आ रहा है। सो फाइनली जो अपना काम है वो लास्ट स्टेजेस में है, यानी कि ख़त्म होने वाला है एंड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक सीट मेरी ये पड़ी एंड एक एरी तो ये भी फिट हो चुकी हैं। फिनिशिंग एंड फिटिंग अभी कार में लगने के बाद ही दिखाऊंगा, अभी बस एक ग्लिम्स ले लो, एक थोड़ा फार व्यू ले लो कि सीट्स कैसी लग रही हैं। आई होप आपको सीट्स काफ़ी बढ़िया लग रही होंगी एंड साइड में से लुक अगर चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। सो काफ़ी बढ़िया सीट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है एंड सीट कवर्स भी काफ़ी बढ़िया आपको लग रहे होंगे, मुझे तो लग रहे हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सीट कवर्स कैसे लगे। तो फाइनली इसके बाद एक जो और चीज़ मैं करवा रहा हूँ, जैसे कि आपको बताया गाड़ी के मैंने सारे गत्ते उतरवा दिए थे, तो गत्ते किस लिए उतरवाए थे वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या सीन करवा रहा हूँ मैं, चीज़ कुछ ऐसी है अपनी गाड़ी में मैंने कुछ ऐसा करवाया है काम, यानी कि जो डोर ट्रिम्स होते हैं उनको मैंने करवाया है वाइट, उसके ऊपर ब्लैक स्टिचिंग करवाई है एंड ग्रे फॉक्स की टैगिंग दी है, GF की टैगिंग दी है यहाँ पर, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको लगना है एंड यस थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है अभी तक लाइक आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, प्लस YouTube पे तो खासकर नहीं देखा होगा। मैंने पूरा सर्च करके बोल रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अभी तक ऐसी चीज़ें YouTube पर नहीं आई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, यानी कि ये एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ अभी तक YouTube पे नहीं है। ये चीज़ मैंने करवाई है अपने डोर पैनल के ट्रिम्स पर, बाकी फिटिंग होने के बाद दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर सारा फिटिंग का प्रोसेस अपना चल रहा है तो फटाफट से फिटिंग होने देते हैं एंड ये देख लो एक लुक अपने पास आ चुका है, कुछ ऐसा लगने वाला है अपना डोर ट्रिम। सो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है ये एंड जो ये थोड़ा बहुत आपको गंद नज़र आ रहा है वो अभी सब कुछ क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा, जो हल्का फुल्का आपको दाग नज़र आ रहे हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे। बट यस वाइट कलर के साथ ये है कि मुझे केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी चीज़ों की, बट कोई नहीं लगने के बाद देखते हैं लुक क्या आ रहा है फाइनल वाला। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि भाई सीट्स काफ़ी खास बनी है एंड बहुत दिन से सारा प्रोसेस चल रहा था, मैंने सीट्स को पहले ट्राई करा है फॉर अ वीक, सीरियसली सीट कवर जो उतरवा दिए थे सीट का स्ट्रक्चर मैंने ट्राई करा है फॉर अ वीक एंड यस आई वॉज हाईली इम्प्रेस। तभी ये चीज़ें आप मेरे चैनल पर देख रहे हो क्योंकि मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी थी। तो एक बारी सीट लगने से पहले यानी कि कार में लगने से पहले मैं स्टिल आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। सो ये हम बैठ गए हैं भाई सीट पर एंड बहुत बढ़िया फील आ रही है, लाइक स्पोर्ट्स कार वाली आपको फील लगेगा कि यार ये सीट लगवाने के बाद स्पोर्ट्स कार वाली फील आ रही है एंड जो ग्रिपिंग है मेरी बैक की वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है इन सीट्स के अंदर। कहना चाहूँगा ओवरऑल जो ग्रिपिंग आपको चाहिए आपकी बैक सपोर्ट को एंड थाई सपोर्ट को चाहिए वो काफ़ी बढ़िया आ रही है इन सीट्स के अंदर। बाकी गाड़ी में लगने के बाद एक परफेक्ट वाला रिव्यू दूंगा। सो फाइनली वी आर ओवर विद एवरी स्टेप, सीट कवर्स हो चुके हैं रेडी एंड हेडरेस्ट भी आ चुके हो। सो हेडरेस्ट के ऊपर भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा है, नाउ दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, लाइक मैंने जो इमेजिनेशन करी थी उसके हिसाब से मुझे ठीक लग रहा था बट ये उतना निखर के नहीं आ रहा एंड इसके लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे। सो बेसिक चेंजेस क्या होंगे वो आपके पास फिर से एक वीडियो आ जाएगी कि इसके अंदर मैं हेडरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या करवा रहा हूँ। सो ओवरऑल एक लुक लेते हैं सीट कवर्स का, सीट कवर्स आर लुकिंग डैम अमेजिंग मेरी तरफ से, तो भाई बहुत अच्छा डिज़ाइन है प्लस कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा मुझे मिलने वाला है एंड पाइपिंग वगैरह के साथ डिज़ाइन जो आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। नाउ आई एम लीविंग अपॉन यू कि आपको कैसा लग रहा है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी तरफ से ये चीज़ पास है, ऑटो शेड्स का काम बहुत बढ़िया तरीके से पास है एंड अगर एक थोड़ा क्लोज़र लुक ले लें सो क्लोज़र लुक भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहीं पर भी
रिंकल्स नजर नहीं आने वाले, ऑल्दो दे आर कस्टमाइज्ड सीट कवर्स, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। बट अगर आप देखो क्या डिज़ाइन तो मैंने बनवा लिया, क्या इसमें रिंकल्स आएंगे, क्योंकि कस्टमाइज्ड है, सो रिंकल्स कहीं पर भी नहीं आएंगे। आप चेक कर सकते हो बहुत ध्यान से, कहीं पर भी आपको रिंकल्स नज़र नहीं आएंगे पूरे सीट कवर के अंदर। एंड अगर वहीं बात करें हम स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग भी आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी एंड बहुत परफेक्टली करी गई है। अगर हम बात करें पाइपिंग की, सो पाइपिंग एक अपनी चॉइस रहती है, मैंने लगवाई है क्योंकि आई कैन केयर फॉर पाइपिंग, बट यूजुअली पीपल डू नॉट रिकमेंड पाइपिंग क्योंकि हो सकता है ये कट जाए, बट अगर वो आपकी केयर अच्छी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साइड्स में तो पक्का नहीं आने वाली, अगर आप कहीं पर सेंटर में लगवाते हो सीट कवर के तो हो सकता है 1% को आपको प्रॉब्लम आ जाए। नाउ बेसिक कमिंग अपॉन के यार जीएफ कैसे लिखवाया है, सो दिस इज नॉट गर्लफ्रेंड, दिस इज ग्रे फॉक्स, ठीक है। सो ये ग्रे फॉक्स लिखवाया मैंने, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई है प्रॉपर, इसको अभी हम ठीक करेंगे, इसके ऊपर अभी मत जाना, एम्ब्रॉयडरी का काम छोड़ दो। बात करें सिर्फ सीट कवर्स की, तो सीट कवर्स आप एक पूरा लुक ले चुके हो। एंड अब चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि क्या लुक आ रहा है। फिटिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड द कार इज़ लुकिंग हॉट AF। अगर समझ सकते तो भाई समझ जाना, गाड़ी की जो लुक आ रही है वो काफ़ी बढ़िया आ रही है एंड बहुत अच्छी लग रही है कार अंदर से। लाइक एक जो सूदिंग एनवायरनमेंट कार के अंदर आपको चाहिए कि हाँ यार अगर कोई बैठे तो उसको अच्छा लगे, वो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। फिटिंग की अगर बात करोगे एंड फिनिशिंग की बात करोगे तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, नो रिंकल्स नो नथिंग, ऑल इज डन विद परफेक्शन एंड बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। लाइक आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई हाईली रिकमेंड, अगर किसी को ऐसा कुछ चाहिए यूनिक हटकर तो आई रिकमेंड ऑटो शेड्स। सो ये तो थी फ्रंट सीट, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कुछ कार का लुक है। आगे से डोर ट्रिम्स की बात करें तो वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इधर वाले डोर ट्रिम्स की बात करें, सो हेयर इट इज़। अगर हम रियर में चले कार के, तो यहाँ पर भी डोर का ट्रिम कुछ ऐसा है एंड सामने वाला भी। सो पीछे का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया बन गया है एंड बहुत सही लग रही है भाई गाड़ी अंदर से, मतलब आई एम एक्साइटेड टू ड्राइव इट। एंड लोगों के कमेंट्स में जानना चाहता हूँ कि क्या आएंगे इसके ऊपर एक बारी देखने के बाद। हेडरेस्ट की फिटिंग देखो तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड एक जो खास चीज़ है इन हेडरेस्ट के अंदर वो आप देखोगे यहाँ पर सिलाई कहीं पर भी नहीं है। एंड इसको छोड़ो, अगर हम यहाँ पर आएँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको या तो चेन मिलती है या यहाँ पर आपको सिलाई करके कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारा कस्टम डिज़ाइन है, नो चेन नो स्टिचिंग नो नथिंग, बिल्कुल परफेक्टली इसको फिट करा है। एंड सेम गोज़ फॉर दैट हेडरेस्ट ऑल्सो, और पीछे भी आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये बिल्कुल OEM फिटिंग रखी गई है। लाइक जो पीछे का ये वाला कारपेट होता है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करा गया एंड ये वापस रीयूज़ करा गया एंड इसको यहाँ से ऊपर सारा स्टिच करा गया, जैसे कि आपको टॉप मॉडल्स में मिलता है हर गाड़ी के, वो ही वाला हिसाब यहाँ पर करा गया है। कोई ज़िगज़ैग नहीं करी, जैसे कई लोग होते हैं वो वेलक्रो यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, कई लोग होते हैं यहाँ पर क्लैंप लगा के इसको स्टिच कर देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एंड कई लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पर फोल्ड करके उसको यहाँ पर अपना क्लैंप लगा के फिट कर देते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। बट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सफाई बहुत ज़्यादा रखी गई है काम करने में एंड बिल्कुल स्टॉक लुक दिया गया है पीछे से इन वाली सीट्स को। इंटीरियर में थोड़ी थोड़ी रेड टचिंग दी है, जैसे कि आपको पता है अगर रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में भी रेड टचिंग है, अगर आप देख सकते हो, सो रेड टचिंग है। ये काम ऑटो शेड से नहीं हुआ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये पहले ही मुझे ऐसी मिली थी। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें मैंने दिखाया था कि रूफ रैप्ड है वेलवेट के अंदर। सो इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब चलते हैं कि यार ये मैंने लगवाया था एक गेयर नॉब, इसको भी मैं चेंज करवा रहा हूँ, यानी कि वापस उसी पर जा रहा हूँ जो पहले लगा हुआ था। हेयर इट इज़। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रेड टचिंग दी है गाड़ी के अंदर तो ब्लू का तो भाई मतलब ही नहीं बनता। सो इसको हम वापस रीइंस्टॉल कर रहे हैं। सो गेयर नॉब भी हमने दी है बदल एंड अब लुक जो है बिल्कुल ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरी कार के अंदर, यानी कि वाइट ब्लैक एंड रेड। सो फाइनली टाइम आ चुका है वीडियो को ख़त्म करने का। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं सनी जी के साथ मिलकर दे सकता था मैंने आप तक एक एक चीज़ डिलीवर करी है सीट कवर्स के बारे में, यानी कि कस्टमाइज्ड सीट्स एंड कस्टमाइज्ड
सीट कवर्स, दोनों चीजें मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाई हैं। प्लस यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा काम भी होता है, वो सनी जी अब आपको बताएंगे। सो सर एक बार ही बताओगे और क्या क्या चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं? वी आर बेसिकली स्पेशलिस्ट इन कार इंटीरियर। हम लोग कार का पूरा इंटीरियर एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर टेस्ट हम चेंज करते हैं। वी आर स्पेशलाइज इन इंटीरियर एंड वुडन फिनिश। जो हमारा पेंटेड इज नॉट जस्ट पेंट, हम लोग 60-65 डिग्रीज पे हीटिंग करके लेदर सॉफ्ट फील पेंट करते हैं। ओके, जैसे आप टच करोगे तो आपको लगेगा उस पर लेदर लगा हुआ है। ओके, इट इज नॉट मैट फिनिश पेंट, समथिंग प्रीमियम। यस, सो इसका भी एक ग्लिम्स आपको मिल गया होगा। तो फाइनली मुद्दे की बात पर आते हैं कि मेरा खर्चा कितना हुआ है। तो सनी जी प्लीज एक बार थोड़ा डिस्क्राइब करो दोनों चीज़ों में क्या खर्चा आया है। ये 8500 की तो सीट्स हैं। ओके, और 5500 फॉर सीट मॉडिफिकेशन। ओके, मतलब जो एक्स्ट्रा फोमिंग करी है उसके लिए 5500, एंड जो कस्टमाइज्ड सीट कवर्स मैंने लगवाए हैं दैट विल कॉस्ट यू 8500। तो कुल मिलाकर कुछ 13,500-14,000 का मेरा खर्चा हो चुका है। बट जो मैंने पैसे खर्चे हैं आई एम डैम हैप्पी, मेरे को पूरी संतुष्टि है, फुल सेटिस्फैक्शन है। सो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अब ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। अगर मेरे से कुछ बातें करनी है, इंटीरियर के बारे में कुछ जानना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM कर सकते हैं, जिसका हैंडल है speedysingh13। नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि ऑटो शेड से कनेक्ट होना है एंड वी वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट दैम, तो सर अपना सोशल मीडिया अकाउंट का एक बार ही थोड़ा हैंडल बता दीजिए। हमारा ऑटो शेड्स का फेसबुक पेज है ऑटो शेड्स रमेश नगर। ओके, यूट्यूब चैनल ऑटो शेड्स रमेश नगर के नाम से आप सर्च करोगे वो भी दिखेगा। ओके, प्लस वी हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ 9711000000। तो गूगल लोकेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार ही बता भी देता हूँ, ऑपोजिट 342 पिलर नंबर, जो रमेश नगर वाली ऊपर से मेट्रो लाइन है, ऑपोजिट 342 पिलर नंबर, राइट सर? तो ये लोकेशन है, लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फाइनली अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके बताना कि आपको ग्रे फॉक्स के अंदर सारा काम कैसा लगा। तो खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ स्पीडी सिंह। सो द वीडियो इज स्टिल नॉट ओवर। एक चीज जो बहुत जरूरी थी एंड मैंने कई सारी अपनी वीडियो के कमेंट्स में पढ़ा था कि जो नई वाली स्विफ्ट आ रही है उसके अंदर क्या हम हेडरेस्ट लगा सकते हैं अगर हमारा LXi मॉडल है, तो यस 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 इट्स पॉसिबल। अगर आप ऑटो शेड्स वालों से कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको ये काम करके भी दे देंगे। एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि इनकी गाड़ियों में हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं होती, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, वी कैन रिप्लेस दोज सीट्स एट ऑटो शेड्स। सो फाइनली अब खत्म कर रहा हूँ वीडियो को, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ Speedy Singh.